अचल कमर। एक अच्छा टूर बीता और बुरा तो नहीं कह सकते, मगर ये ज़रूर कहूँगा दिन बुरा था। आएंगे इस तरफ भी, लेकिन पहले ब्लॉक की तरफ आते हैं। चढ़ कमर अलीदाद सवात का इंतहाई खूबसूरत इलाक़ा है, जो ब्रिकोट से 2 घंटे फासले पे है। मलकिदम और अबूहा दोनों गांव से रास्ता जाता है, जो बाद में इस पॉइंट पे मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साद और आज का ये ब्लॉग चढ़ कमर के नाम। तो हम जा रहे हैं चढ़ कमर और इस वक्त रास्ते में है, और रास्ता जो है चढ़ कमर तक काफ़ी ख़राब भी है और कच्चा भी है, तो इस वजह से जो है 4x4 गाड़ी के बगैर जाना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो इस वजह से जो है हम अपने साथ चीता लाए हैं, 4x4 हमारा चीता, तो ये हमें जो है लेके जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे रास्ता काफ़ी ख़राब है, और अभी हम देख रहे हैं कि हम गाड़ी में चले या गाड़ी खड़ी करके जो है हाइकिंग करें, तो अभी देखते हैं। तो ये भाई अभी ऊपर से आए और ये कह रहे कि रास्ता आगे काफ़ी ख़राब है, तो हम जहाँ तक आए हैं यहाँ तक बस गाड़ी में आ गए। गाड़ी का सफ़र था, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जो है आगे हाइकिंग है, और इस पॉइंट से जो है हमने अभी हाइकिंग शुरू की है। और मेरे साथ जो है तवाब उर्फी मामा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो ब्लॉग्स में आए हैं, मेरा कज़न बिलाल, और ये है इंजीनियर हमीद, इंजीनियर मोहम्मद बिलाल, और मेरे साथ मेरा दूसरा कज़न बासित। हेलो जी। हेलो जी। और और इस सफ़र में हमारे साथी, हमारे भाई कमांडो अब्बास खान, अब्बास के अलावा जो है रुक जाए जी, रुक जाए ज़रा, रुक जाए आप, अजम खान, अजमरे खान, अजम, अजम और अजम के साथ साथ जो है तलाल, अभी डॉक्टर साहब है, अभी डॉक्टर नहीं, आपको और आखिर में आपको जो है हम मिलाते हैं मेरे कज़न से, डॉक्टर साहब अब्दुल हाशिम खान। अच्छा जी, ये हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ तक हमने जो है जाना है। मैंने तो खुद को सही कर लिया, फ्री फील कर रहा। मामा से पूछेंगे कि वो किस तरह हाइकिंग कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे तकरीबन 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में प्रेडिक्शन यही है। बिलाल किस तरह फील कर रहा है? बस काफ़ी अर्सा तक हाइकिंग नहीं की है। हाँ, तो थोड़ा सा थक गया यार, एनर्जी डाउन है। हाँ, कि अभी जो है पूरा रमज़ान गुजर गया, उसमें बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं थी, फिजिकल एक्टिविटीज़, सारा दिन जो है यार 1 महीने मैंने रोज़े रखे, और आप हाइकिंग करा रहे हो हमसे। थैंक यू, थैंक यू, के नहीं के नहीं, शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया, इस्तकबाल के लिए शुक्रिया जी, शुक्रिया। शैतान को देख के जो है आवाज़ें शुरू की है, वेलकम कर रहा है आपको।
एक तो हमें पता भी नहीं था कि इसमें हाइकिंग ट्रैक भी है। आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, तो प्रॉपर शूज मैंने नहीं पहने। इस तरह तो होता है इस चार की काम के मैं हाइकिंग कर रहा हूँ। बहुत अनईजी फील हो रहा है यार। हो जाएगा, बड़ा टेंशन ना लो इंशाल्लाह। हम ऐसे जूते रखते हैं जिसमें हाइकिंग हो जाए। वाह जी क्या बात, वाह वाह करें यार। वाह 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 भाई। और जिन्होंने रखे है वो तो चल नहीं सकते, चल नहीं सकते। यार आजम को भूख नहीं लगते यार, ये क्या बात। बस क्या कर, हमारे साथ हमीदा है ना, तो बस इसलिए हमको भूख भी नहीं लगती। ये जो कहते हैं कि मशीन इंसानों से अच्छे, तो हमने आज देख लिया ये पहुंचा है, और ये जो है नहीं जा सकता। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। क्या तासुरात है, इसका सहारा ले रहे क्या करे। चलो चलते। अच्छा जी, तो अभी हमने तकरीबन कितनी हाइकिंग की है यार? ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटा। हमने कहा था कि आधे घंटे में या 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस पार्ट तक जो है हमें 1 घंटा लग गया। अभी आगे देखते हैं, मैं तो सबसे आगे जा रहा हूँ, लेकिन अभी हम यू-टर्न ले रहे हैं अपने पास। और यहाँ पे अब डिसाइड कर रहे थे कि ये वाला रास्ता जाते या ये ऊपर वाला, लेकिन इसी से जाते हमें तो कंफर्म नहीं है। और हमारा ट्रेवल गाइड जो है ये भी पहली दफ़ा आ रहा है, तो इनको भी जो है पता नहीं है कि क्या लगता है ये वाला रास्ता या ऊपर। उधर जो थे ना लोगों ने बताया कि ये रास्ता था, तो मुझे लगता है कि ये भी जाता है, वही भी जाता है ना, तो उस साइड पे चलते हैं। अभी देखते हैं उस जगह से माइक किस तरफ है, उस तरफ नहीं। चलो कैमरा भी। हाँ चलो। 30 मिनट इस भाई साहब ने बताए थे और 1 घंटा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने अपने रफ्तार से बताया। अभी मेरे हिसाब से सिर्फ 5 मिनट रह गए अपडेट का। सबसे पीछे बसीता है और ये कह रहा है कि 5 मिनट सबसे आगे। तो अभी यहाँ से हम अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। सफ़र का आगाज़ तो हमने पहले ही किया था, लेकिन स्टे कर रहे थे, तो उसके हिसाब से जो है अभी हम यहाँ से फिर रवाना। काफ़ी दिनों के बाद हाइकिंग कर रहे हैं, एनर्जी बहुत डाउन है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहुंचेंगे ऊपर। उम्मीद क्या, मजबूरी है, पहुंचना तो होगा, अभी इतना है तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त मैं दरख्त के ऊपर मौजूद हूँ, और यहाँ से पीछे बिल्कुल जो सामने जगह है आबशार नज़र आ गया, और हम अपने डिस्टिनेशन तक पहुँच गए। बस थोड़ा सा रास्ता है वहाँ तक जाते हैं। आबशार नीचे है, और अभी हम पहले ऊपर जाते हैं, ऊपर का एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नीचे आएंगे। नीचे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ऊपर की नस्बत से। जी बस इधर जो है ना दो आबशार है, एक ऊपर है। हाँ? जो चढ़ कमर याद है ना,
उसका नाम जो है हाँ? नीचे वाले अबशार का है। अच्छा, दूसरा जो है हाँ? उसके ऊपर है। अच्छा, तो पहले उधर जाते हैं हाँ? फिर इंशाल्लाह उधर स्टे करेंगे हाँ? उसके बाद ये वाले एक्सप्लोर। अच्छा, मतलब ऊपर भी एक अबशार है हाँ, एक और नहीं, दो है ऊपर, दो है और ये चढ़ कमर इसका नाम है। हाँ हाँ, चढ़ कमर इसका नाम और ऊपर दो अबशारे और है। तो अच्छा, हम मतलब पहले ऊपर वाले अबशार देखते हैं फिर उसके बाद नीचे वाले पे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे ये लगता है मैंने पिक्चर्स में जो देखा था कि ये नीचे वाला ज़्यादा हाइट पे है और ऊपर वाला इतना वो नहीं है हाइट पे। पानी पानी की बात कर रहा हूँ, तकरीबन वो 20-25 फुट हो गया। और ये जो है ना ये बहुत आप देखेंगे ना वीडियो में। हाँ, देखते अब हम क्या खुद से देखा नहीं और अंदाज़ा लगा रहे इस तरह ना हो कि हम लंबी लंबे पेंक के और बाद में वो चूज और बाद में वो चीज़ इतना निकल आए तो फिर बताया वादा कम ला रहा था मलगरी देखा भैया बस इसमें जो है रास्ते का भी पता नहीं चल रहा कौन सा रास्ता है। चले अब्बास आगे जा रहे हैं तो हम उसके पीछे जाते हैं, पहुंचा ही देगा अब इस तरह ना हो गए और पहुंचा दे। तो ये सामने कुछ बंदे आए ये ऊपर से आ रहे थे तो इन्होंने जो है रास्ता जरा हमने इनसे कंफर्म करवाया कि ये वाला रास्ता जाता है कौन सा है ये वाला। अच्छा, चढ़ कमर से ऊपर एक जगह है बंजीर दूर है काफी दूर काफ़ी दूर चार घंटे तीन चार घंटे प्रोफेशनल हाइकर्स इस तरह के नहीं तो ये लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ जाना जो है मेरे ख्याल में एक दिन का टूर वहाँ पे नहीं हो सकता, दो दिन तो कम से कम कैंपिंग करनी होगी, रात तो गुजारनी पड़ेगी। ये जगह भी नहीं एक्सप्लोर हुई है, पहले इतना लोगों को पता नहीं था या शायद पता था मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी लोग आए हुए हैं पहले से चढ़ कमर तक आसपास के जो आबशार है और फिर इससे ऊपर बंजीर वहाँ पे कैंपिंग के लिए लोग गए थे। काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोगों को पता है और इंशाल्लाह इस दाग से और लोगों को भी पता चल जाएगा। तो अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम इस जगह की तरफ से आ जाए, ये खूबसूरत जगह देख ले। अच्छा, तो ये बंदे आए हैं और हमारे तरफ के हैं, हमारे गांव जो है गाले के और ये बरीकोट के बंदे हैं। या हम उनसे पूछते हैं कि कब आए हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं हार हो रहा उनका कलर आ गया वो सब पोजिशन दे बरीकोट ना। हाँ, यू तो बरीकोटी हाँ आओ लगा प्रगान को अच्छा, तो ये भाई हमें उर्दू में बताएंगे, ये यहाँ पे आए हैं तो हम इनसे पूछते हैं आप भी जरा अपने फीलिंग्स का इजहार करें किस तरह लग रहा है। बहुत अच्छे तरह लगती है, बहुत अच्छे अच्छे जगह है, अच्छे दरख्ते हैं बिल्कुल और पानी भी बहुत अच्छे है, बहुत इंजॉय कर रहे हो। बस बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे ये लोग ना रहे तो ना होना बस हाँ? और क्या इरादा है आपने जो है अपने साथ तो काफी चीजें लाए है, रुकने का इरादा है? बस इरादा है हमें कितना मतलब रात तक रुकेंगे या रात तक दो तीन बस है सिरोजी का इरादा है। सिरोजी ये खारी से भी है इनके पास है सिरोजी जी जी दो तीन दिन के लिए ये आए है यहाँ पे स्टे करने तो हम इनसे भी पूछते हैं। जी भाई माशाल्लाह तो बहुत अच्छा मौसम है हाँ, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप हम भी नया के
नहाना है लेकिन ये बोट डूबे कहीं मरने जाए ये बात भी है ना ये बात भी है केयर भी करने चाहिए जी कारी साहब जी कारी साहब हां करो ना वो है कने जी वो दो खोए सिरोजले रगले सिरोजले रगले ये सिरोजले नहीं दाव का एड्रेस डाल दे दी मेरे दी दे डाल तो बचा तब रख कोई बस अल्टा जी दे रगले हो ना जी 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 नियो बोल सर जी दावत खबर हमको पकी हां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मान सकते हम टूल जी यो का सजा में को खैरा बस बगलते मुन भी इंशाल्लाह पहुंचा पर शरीक पड़ा खैरा मामा ती उकड़ा पनार बनर से दावत दावत खबर को जिंदाबाद आगे इरादे पे गड़ी देगा ना आगे इरादे पे इरादा बने ला पाक जी दे डर सके बिल्कुल और चक्कर पे किमो खैरा वो खे दे वो खैरा सब खोले कड़ाई पे पक्षी मयान रानी सही जी हाँ जी बिल्कुल हाँ मयान रानी सही लस किलो की न्यू दीदी साथ में कराई लस किलो ये भाई जो है यहाँ पे मछली पकड़ रहा है और कह रहा है कि 10 किलो जो है सुबह से अभी तक जो है पकड़े हुए है तो भाई ने काफी जो है लंबी छोड़ दी है लेकिन अब ये पता नहीं यहाँ पे किस तरह मछली होती है अटैच किया है और नीचे जो है गोश्त को अटैच किया है और यहाँ से जो है इस तरह मछली पकड़ रहा है क्या बात है जी वो ज्यादा जो है मछली पकड़ लिए क्या बात है माशाल्लाह टेक्निक पता नहीं कामयाबी नाकाम है। अब्बास ने बच्चों को देखा कि यहाँ से जंप कर रहे तो अब्बास का भी दिल किया कि यहाँ से मैं जंप करूँ और ये स्टंट फाइनली अब्बास अपने होश आवास में करने जा रहा है जी आप बिल्कुल अपने होश आवास में होश आवास में फोर्स नहीं किया आपको मामा ने कहा था लेकिन खैर ना करता फिर उसके बाद मामा करता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखते हैं अल्लाह खैर करे अब यहाँ पे तीन आबशार है ये अभी जहाँ पे हम हैं ये ऊपर वाला है इससे जो नीचे वाला है वो जो अभी मैंने दिखाया जो सारे जंप कर रहे थे और उससे नीचे जो मेन जगह है चढ़ कमर के नाम से वो है तो अभी हम पहले ऊपर आए यहाँ पे थोड़ा बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और जो चीज़ें लाई अपने साथ थोड़ा बहुत एक का के जो है फिर हम नीचे वाली जगह पर जाएँगे वो तो हमने काफ़ी देख ली लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं
पर मैंने सोचा कि पहले ये जगह देख ले, एक्सप्लोर कर ले, इसके बाद ये दूसरी वाले और उसके बाद जो है लास्ट वाले जो सबसे लंबा आबशार है, तो लास्ट में वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और वो काफ़ी खूबसूरत जगह है, ये भी खूबसूरत, इस तरह नहीं है कि ये नहीं, सारी जगह खूबसूरत है, लेकिन हम जो मेन जिस जगह के लिए आए हैं वो वाली जगह है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। आज़म बहुत अच्छी जगह है, बस हमेशा ख्याल रखे, जब आना होगा तो जरूर अपने साथ बिरयानी ले आओ, कुछ ना कुछ खाने की चीज ले आओ। और आपका भाई जो है अनफॉर्चुनेटली गिर गया और हाथ लग गया, हाथ में कैमरा था और पानी में गिर गया, लेकिन क्विक रिस्पांस करके जो है कैमरा कैमरे को बचा दिया, कैमरा पानी से निकाला और मैं तो अंदर चला गया, लेकिन कैमरा जो है बाहर निकाला, शुक्र है बच गया। थोड़ा लगा है लेकिन देखेंगे कि ख़राब है या सही है, बाद में देखेंगे। ये एक जगह है, इसको कहते हैं असमस्ता। हाँ, असमस्ता, इसका एक कमाल है जो कि मामा बताएंगे। इसमें सर्दी में पानी गर्म होते हैं और गर्मी में पानी ठंडे होते हैं, मतलब अंदर का जो अंदर का जो पानी आप टच कर ले आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है। हाँ, क्या बात है जी। इस वक्त मैं असमस्ता में मौजूद हूँ, ये यहाँ पे एक नई जगह एक्सप्लोर की है, ये अभी गर्म है और सर्दी में फिर ये जगह ठंडी होती है, देख ले। और मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, बादल आ गए हैं, वो तो जो वो गर्मी जो थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था उसमें खैर नहीं थी, पर हम रवाना हो गए। पहले मेरा DSLR कैमरा कैनन 60 गिर के लग गया, जिसमें कुछ मसला आ गया। उसके बाद मेरा GoPro Hero 5 ब्लैक पानी में वीडियोस बना रहे थे और उसके अंदर पानी चला गया, जो कि वाटरप्रूफ है, पर ये चीज़ समझ में नहीं आई। एक चीज़ रह गया था लेकिन उसका भी टाइम पूरा था, लेकिन क्या कह सकते, जो किस्मत में लिखा होता है फिर तो वही होना है। क्या हुआ देखिए। इस वक्त हम जो सबसे ऊंचा आबशार है उसके टॉप पे अभी मौजूद है, और ये नीचे व्यूज़ चेक करें। इतनी खूबसूरत जगह और ये हाल देख के जो है बड़ा अफसोस हुआ यार। खुदा के लिए ऐसी जगहों पे आके सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे यार, ये पता नहीं क्या यार। अबशार देखो, ऊपर ये पानी देखो तो बंदा, नीचे इतना ज़बरदस्त खूबसूरत अबशार है, इतनी खूबसूरत जगह है, ऐसे ज़बरदस्त नज़ारे है, और यहाँ पे गंदगी का ये हाल। इस वक्त हम अबशार के बिल्कुल टॉप पे है, और ये जो जगह है इसको कहते हैं चढ़ कमर। चढ़ कमर का मतलब पूछते हैं तवाब से, ये चढ़ कमर का क्या मतलब है? चढ़ कमर का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा पत्थर है जिस पे चढ़ना मुश्किल है।
आबशार के ऊपर से नीचे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो जगह भी देखते हैं, फिर उसके बाद जो है निकलेंगे यहाँ से तो घर जाएंगे। तो अभी यहाँ से नीचे जाते हैं। सच में एक बहुत बुरा दिन था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में बेहतरी होती है, तो शायद इसमें भी कुछ बेहतरी हो। मेरे साथ तो हो गया, पर आप लोग बहुत ख्याल रखिए। अनफॉर्चुनेटली ड्रोन जो है वो डूब गया पानी में। मैं ड्रोन को यहाँ से जो है अंदर लेके आ रहा था, तो अंदर जो है जाके वो ऊपर से काफ़ी ऊपर से वो पानी आ रहा है, उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और हवा भी काफ़ी तेज़ थी, तो उसकी वजह से साइड पे गया है और पहाड़ के साथ लग के जो है बिल्कुल अंदर गया है। आज़म नीचे गया था, आज़म ने देखा, लेकिन वो इतनी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि वो फील ही नहीं कर रहा कि कितना वो नीचे है। तो अभी तक जो है ड्रोन तो नहीं मिला, लेकिन अल्लाह करे कि मिल जाए, होप सो। अब पता नहीं काम भी करेगा कि नहीं, लेकिन अभी इसमें लगे हुए हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी एक दोस्त गए ऊपर, ऊपर कुछ करते वहाँ से एक रस्सी जो है ला रहा है, दूसरा दोस्त वो एक बड़ा सा वो स्टिक नहीं होता वो ढूंढ रहा है, तो देखते हैं कोशिश करते हैं कि मिल जाए। तो रजम गया था अभी नीचे और रजम का हाल लेके फुल झुक कर ये रस्सी मिल गई हमें, और अभी जो है हम अपना कुछ टेक्निक यूज़ करके कुछ करेंगे। समझ तो नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन देखते हैं। और यहाँ पर जो है आज़म गया था नीचे, उसको जो है स्विमिंग आती है, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। जब ड्रोन नीचे चला गया मैं तो एकदम से जा रहा था, लेकिन जब मैं गया और देखा, शूज़ मैंने निकाल लिए, लेकिन मैं जब पहुंचा और देखा तो वो इतनी वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो थी, क्या कहते हैं, पानी का वो गहराई बहुत ज़्यादा थी, तो मैं फिर नहीं गया। और हम में से जो है अब्बास और आज़म को जो है दोनों भाई है, उनको स्विमिंग आती है। आज़म गया, उसको तो जो है नहीं मिला, पर वो कहता है कि मैंने देखा वो काफ़ी नीचे, पर उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी। हमने जो है कुछ ना कुछ करके आग जलाई है यहाँ पे, वो उसके सामने बैठा था और कपड़े पहने तो थोड़ा गर्म हो गया, तब आबाज गया है नीचे। देखते हैं अल्लाह करे कि मिल जाए। सैड न्यूज़, 2 घंटे सर्चिंग के बाद ड्रोन नहीं मिला हमें, और अभी टाइम लेट हो रहा था और लाइट भी जा रही है, तो मजबूरन हमें यहाँ से जाना होगा। अभी यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल नया ड्रोन, पुराना भी नहीं था, बंदा 1-2 साल यूज़ करे फिर कोई ये सीन हो जाए तो। तो अभी एक उम्मीद है कि कल कज़न कह रहा है कि मैं अपने साथ बंदों को ले आऊँगा, देख लेंगे अगर मिल जाए, मिल भी गया तो किसी काम का तो नहीं होगा, लेकिन खैर मिल तो जाएगा ना। तो चले इसी सैड मोमेंट के साथ ये व्लॉग
ख़त्म करते हैं। बाकी तो मैं मुझे तो जो है सारा वो ट्रिप का वो सीन मैं भूल गया कि मैं अभी जो है क्या कहूँ। लेकिन खैर इसी के साथ ये ब्लॉग अख्तिताम तक पहुँचता है और बस दुआओं में याद रखिए, दुआओं से ही काम चलेगा और तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंसान बड़ा कमज़ोर चीज़ है, अल्लाह जो करता है फिर वही होता है। सही है, अल्लाह हाफिज़। ऊपर हम इस साइड से गए थे, अभी नीचे उतरते ही यहाँ पे एक फोर्थ आबशार हमने देख लिया। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मैं ये चीज़ें दोबारा ले सकूँ। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। शुक्रिया। Yeah.